हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्वैट। एंड आज की क्लास में हम बात करेंगे एटीट्यूड एंड एटीट्यूड चेंज के बारे में, ठीक है। एंड आज के हमारे डिस्कशन के जो टॉपिक्स हैं वो है एटीट्यूड मीनिंग, एटीट्यूड एंड देयर फॉर्मेशन, ट्राई कॉम्पोनेंट एटीट्यूड मॉडल, मल्टी एट्रीब्यूट एटीट्यूड मॉडल एंड एटीट्यूड इन टर्म ऑफ इट्स फंक्शन। सो स्टार्ट करते हैं एटीट्यूड मीनिंग के साथ, ठीक है। सो बेसिकली एटीट्यूड is a learned predisposition to behave in a consistently favorable or unfavorable way towards a given object, ठीक है। Attitude का मतलब क्या है कि हम किस तरह से किसी भी object के regarding behave किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। Basically या तो हम favorable way में behave करेंगे या फिर हम unfavorable way में behave करेंगे। यहाँ पर object जो हमने लिया है, object का मतलब है कोई भी product, brand, service, प्राइस, पैकेज, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशनल मीडियम, राइट, या फिर कोई रिटेलर है, ठीक है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एडवर्टीजमेंट है, सो उसके रिगार्डिंग हमारा किस तरह का बिहेवियर है, ठीक है। क्या अगर हम उसे लाइक करते हैं, ठीक है, उस एडवर्टीजमेंट को, देन हमारा जो एटीट्यूड होगा वो फेवरेबल होगा। अगर हम उसे पसंद नहीं करते, डिसलाइक करते हैं, देन हमारा एटीट्यूड अनफेवरेबल होगा, राइट। अब देखिए, जो एटीट्यूड है वो हम एटीट्यूड के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। कैसे एटीट्यूड फॉर्म होता है, लाइक हमारा जो प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कि कोई भी हमने प्रोडक्ट यूज किया उससे फिर हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, हमने क्या एक्सपीरियंस किया उस प्रोडक्ट के यूजेस के दौरान, क्या हमें वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, क्या हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उसने फुलफिल की। अगर ये सारी चीजें, इन सबका आंसर यस है, ठीक है, जो हम चाहते थे वो रिजल्ट हमें उस प्रोडक्ट से मिला है, ठीक है, देन हमारा जो एटीट्यूड होगा वो फेवरेबल होगा, ठीक है। हम रिपीट परचेज करेंगे फेवरेबल होगा तो, ठीक है। एंड और इसके सोर्स हो सकते हैं वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, एक्सपोजर टू मास मीडिया और जो भी अदर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है अलग अलग सोर्सेज से, तो वो भी हमारा एटीट्यूड फॉर्म करती है। लाइक हम यूट्यूब पे कोई भी ब्रांड का, कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू देखते हैं, ठीक है, सो उससे भी हमारा एक एटीट्यूड फॉर्म होता है, ठीक है। अगर हमने देखा कि हाँ उस प्रोडक्ट का रिव्यू अच्छा है, तो हमें भी लगेगा हाँ हमारा जो एटीट्यूड होगा वो फेवरेबल वे में फॉर्म होगा, राइट। चलिए तो आगे बात करते हैं एटीट्यूड एंड देयर फॉर्मेशन, ठीक है। सो इसमें जो पहला कॉम्पोनेंट आ जाता है वो आ जाता है एटीट्यूड, कंज्यूमर लर्न एटीट्यूड। अब एटीट्यूड ऐसे तो फॉर्म नहीं होता, ठीक है, कंज्यूमर एटीट्यूड को लर्न करते हैं। कैसे लर्न करते हैं, उनके जो भी एक्सपीरियंस है उससे, ठीक है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन उन्हें मिल रही है, जिस तरह की स्ट्यूमली से वो एक्सपोज्ड हो रहे हैं, ठीक है। एंड ये भी नहीं है कि जो एटीट्यूड एक बार फॉर्म हो गया तो वो परमानेंट रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो एटीट्यूड है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर सपोज कि हमारा एक ब्रांड के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है, पॉजिटिव हम उसके लिए फेवरेबल वे में बिहेव करते हैं, देन अगर उस ब्रांड का कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, ठीक है, सो हमें भी लगेगा यार ट्राई करना चाहिए, ये ब्रांड तो हम पसंद करते ही हैं, सो हम उसके जो भी न्यू लॉन्च प्रोडक्ट होंगे हम इजीली ट्राई करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक ब्रांड को डिसलाइक करती हूँ, मेरा अनफेवरेबल एटीट्यूड है उसके लिए, और अगर उसका कोई नया प्रोडक्ट आता तो मैं बिल्कुल भी ट्राई नहीं करूँगी, ठीक है, भले ही प्रोडक्ट अच्छा हो, ठीक है। सो बेसिकली मार्केटर ट्राई क्या करता है कि वो अपने प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर के मन में फेवरेबल एटीट्यूड ला सके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोर्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बताया कि प्राइमरी सोर्स होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसी की वजह से जो मार्केटर्स होते हैं ना, वो ट्राई करते हैं कि कंज्यूमर किसी तरह से उनका प्रोडक्ट ट्राई करे, दैट्स वाई वो बहुत सारे कूपन्स, सैम्पल, ठीक है, ट्रायल पैक फ्री में भी दे देते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो कंज्यूमर है वो एटीट्यूड फॉर्म करने की कोशिश करता है कंज्यूमर के मन में अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, अपने ब्रांड के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे सोर्स आ जाते हैं हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, मीडिया, इंटरनेट, ठीक है। सो जितने भी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग रहती हैं वो तो बेसिकली उनका बहुत ही यूज होता है एटीट्यूड को शेप करने में।
और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की खास बात ये होती है कि वहां पर ना हम कंज्यूमर के अकॉर्डिंग अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कंज्यूमर की जो भी ज्योग्राफिक, जिस भी डेमोग्राफिक से वो रिलेट करता है, जिस भी जो भी साइकोग्राफिक उसका बैकग्राउंड है, ठीक है, उसके उसके एस्पेक्ट में ही हम उसी की तरह एडवर्टाइजिंग उसे देते हैं, ठीक है। और जिस तरह के प्रोडक्ट वो लाइक करता है उसी से रिलेटेड हम उसे इंफॉर्मेशन देते हैं। ये सारी चीजें जो है एटीट्यूड फॉर्म करने में मदद करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन टुवर्ड्स प्रोडक्ट कैटेगरी एंड ब्रांड। अब आपको क्या लगता है कि जो मार्केटर है वो सिर्फ अपने ब्रांड के लिए एटीट्यूड फॉर्म करवाना चाहता है? देखिए, होता क्या है कि ब्रांड पर हमें एटीट्यूड फॉर्म करना कब चाहता है मार्केटर? जब प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो ऑलरेडी डिस्पोज हो चुकी हो, ठीक है, मतलब डिफ्यूज हो चुकी हो, ठीक है, कि प्रोडक्ट कैटेगरी से जो कंज्यूमर है वो अवेयर है, ठीक है। तो उस केस में फिर जो मार्केटर है वो ब्रांड के रिगार्डिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन में उसके रिगार्डिंग काम करता है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी है जो कि न्यू है, ठीक है, सो हम मार्केटर ये ट्राई करेगा कि उस न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी के रिगार्डिंग फेवरेबल एटीट्यूड बिल्ड किया जाए, ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड देन फिर जब वो न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी जब डिफ्यूज हो जाएगी बाय वर्ड ऑफ माउथ और थ्रू एनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, देन इसके बाद बहुत सारे अदर ब्रांड्स भी आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई वो प्रोडक्ट जो कैटेगरी है वो काफी अगर अच्छी चल रही है, ठीक है, कंज्यूमर उसे लाइक कर रहे हैं, देन और ब्रांड्स भी एंटर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो मार्केटर है वो ब्रांड एटीट्यूड फॉर्म करने पर ध्यान देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक जो डिजिटल वॉच है वो इंट्रोड्यूस हुई थी 1970 में, ठीक है, उस टाइम बहुत ही कम लोग थे जो फैमिलियर थे ऑटोमेटिक वॉचेस से, ठीक है। लेकिन आज की अगर हम बात करें सो डिजिटल वॉच वेल एक्सेप्टेड है, कंज्यूमर फैमिलियर है प्रोडक्ट कैटेगरी से, ठीक है। सो यहाँ पर हम फोकस करते हैं ब्रांड पर। अब इस टाइम हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि डिजिटल वॉचेस हैं तो मैं ब्रांड के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करूंगी, ठीक है। देन इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज करनी पड़ती है, ब्रांड एसोसिएशन इमेज पर फोकस करना पड़ता है, ठीक है। एंड इवेंचुअली जो कंज्यूमर है वो डेवलप करता है एटीट्यूड टुवर्ड्स वेरियस ब्रांड्स, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटीट्यूड आर कंसिस्टेंट विथ बिहेवियर, सॉरी फोर्थ रह गया हमारा, द रोल ऑफ पर्सनैलिटी फैक्टर। देखिए, जैसे आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट है वो एटीट्यूड फॉर्म करने में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा पर्सन है जो मतलब उसे इंफॉर्मेशन देखना, मतलब क्रेव है इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, वो उसकी थिंकिंग प्रोसेस भी अच्छी है, उसे इंजॉय होता है इंफॉर्मेशन उसे मिलती है, तो ठीक है। तो उस केस में अगर कोई भी ऐसे एडवर्टीजमेंट है जहां पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसे बहुत पसंद आएगी। लेकिन कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसे मतलब ज्यादा ये इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं पसंद है, ठीक है, उस केस में उसको कौन सी एड पसंद आएगी जो कि जो अट्रैक्टिव मॉडल हो, जिसमें जिसमें सेलेब्रिटी हो, ठीक है। इस तरह से जो हमारे पर्सनैलिटी फैक्टर हैं वो बहुत हद तक हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एटीट्यूड आर कंसिस्टेंट विद बिहेवियर, ठीक है। इसका मतलब अगर सिमिलर काइंड का एटीट्यूड है हमारा, ठीक है, तो वो सेम बिहेवियर में रिजल्ट करेगा, ठीक है। सिमिलर एटीट्यूड कंसिस्टेंटली लीड टू सेम बिहेवियर, राइट। नेक्स्ट आ जाता है एटीट्यूड अकर विद इन सिचुएशन, कि देखो एटीट्यूड जो है वो सिचुएशन से भी बहुत अफेक्ट होता है, ठीक है, किस तरह के सरकमस्टांसेस हैं, ठीक है, जो भी इवेंट है एक पर्टिकुलर टाइम पर वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिहेवियर को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन है जो कि हर बार डिफरेंट ब्रांड परचेज करता है,
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो ब्रांड ब्रांड लॉयलिटी है वो काफी कम है, ठीक है, स्विचिंग ब्रांड स्विचिंग उसकी बहुत ज्यादा है, इट मींस कि उसका नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स द ब्रांड, ठीक है, तभी तो वो बार बार स्विच कर रही है, ठीक है, एंड वो ये भी हो सकता है कि भाई वो डिफरेंट ब्रांड्स परचेज कर रहे हैं सो दैट वो मनी सेव कर सके, या फिर सेल आ गई, हमने ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा सस्ते में मिल रहा था हमने ये खरीद लिया, ठीक है, एंड अगर वो प्रोडक्ट बाय सिचुएशन, अगर जैसे बाय चांस हमने खरीद लिया और वो प्रोडक्ट हमने ट्राई किया अच्छा लगा, देन एटीट्यूड जो है वो सिचुएशन की वजह से फॉर्म हुआ, फेवरेबल या अनफेवरेबल जो भी है, ठीक है। सो ये था हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राई कंपोनेंट मॉडल। देखिए जो सारे मॉडल्स हैं ना, ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से एटीट्यूड जो है हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, राइट। सो पहला जो आ जाता है ट्राई कंपोनेंट मॉडल, इसके थ्री कंपोनेंट है, ठीक है। पहला आ जाता है हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट, ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अफेक्टिव, एंड देन वी हैव कॉग्निटिव, राइट। सो पहले अगर हम बात करें कॉग्निटिव कंपोनेंट की, ठीक है, So, जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? उसमें इंक्लूड होता है पर्सन्स कॉग्निशन, ठीक है। अब कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन इंक्लूड नॉलेज एंड परसेप्शन ऑफ द फीचर ऑफ एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, की जो भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है उसके रिलेटेड हमारी जो नॉलेज है, हमारा परसेप्शन है वो कैसा है, ठीक है। अब ये जो सारी परसेप्शन नॉलेज है ये कहाँ से आती है, ठीक है। सो ये जो है पर्सन एक्वायर्ड करता है फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, उसने कोई भी डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया है विद द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, ठीक है, और जो भी उसे इंफॉर्मेशन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है वो सारी चीजें पर्सन कॉग्निशन में आएगी, ठीक है। और ये जो नॉलेज और परसेप्शन की मैं बात कर रही हूँ, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? बिलीफ, ठीक है। ये दोनों मिलके हम इन दोनों को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज बिलीव, ठीक है। और बिलीव क्या होता है? द कंज्यूमर बिलीव दैट एटीट्यूड ऑब्जेक्ट पोजेस और डज नॉट पोजेस स्पेसिफिक एटीट्यूड। बिलीव का मतलब क्या है कि भाई हम ये बिलीव करते हैं कि इस प्रोडक्ट में या इस ऑब्जेक्ट में ये सारी चीजें होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, बिलीव अबाउट टू टीवी टेक्नोलॉजीज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट दे रखे हैं, देन एलईडी टीवी एंड 3D टीवीज। सो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के अगर अकॉर्डिंग हम देखें किस तरह की बिलीफ जो है कंज्यूमर फॉर्म करता है, ऑफ एंगल व्यूइंग एलईडी टीवी में इमेज फेड्स स्लाइटली फ्रॉम द लाइट, 3D टीवी एक्सीलेंट इमेज फ्रॉम ऑल एंगल्स। अब ये जी जो हमने प्रोडक्ट एटीट्यूड के अकॉर्डिंग ये बिलीफ बताया, सो ये बिलीफ कैसे फॉर्म हुआ होगा? या तो कंज्यूमर ने डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया होगा या तो उसे इंफॉर्मेशन उसने कहीं से गैदर की होगी, ठीक है। सो इस तरह से ये एग्जांपल दे रखे हैं, मोशन ब्लर, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, कलर सैचुरेशन, एक्सीलेंट, गुड, ठीक है। सो बेसिकली ये कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट है, ठीक है, जो कि डिपेंड करता है नॉलेज एंड परसेप्शन पे। नेक्स्ट हम देखते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट। सो अफेक्टिव कंपोनेंट रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स इमोशंस एंड फीलिंग्स रिगार्डिंग एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अफेक्टिव में क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? कंज्यूमर के इमोशंस को, कंज्यूमर की फीलिंग्स को टुवर्ड्स एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड जो हमारी कंज्यूमर की फीलिंग्स हैं, कंज्यूमर की इमोशंस की मैं बात कर रही हूँ, इनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए इसके जो है दो तरीके होते हैं जिनके जरिए हम कंज्यूमर की इमोशन और फीलिंग्स को मेजर कर सकते हैं। पहला तो लाइक इस तरह का स्केल हम यूज कर सकते हैं, सेकेंड होता है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, ठीक है। सो लाइक मान लो कि कोई भी एक आफ्टर शेव ब्रांड है, ठीक है, सो उसके लिए उस ब्रांड के रिगार्डिंग कंज्यूमर की फीलिंग और इमोशन को चेक करने के लिए इस तरह का स्केल बनाया गया, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरी, नॉट एट ऑल, यहाँ पर जो सारे उसके
फीलिंग्स हैं वो यहाँ पर बता रखी हैं, ठीक है। सो फीलिंग्स के रिगार्डिंग कंज्यूमर यहाँ पर रेट करेगा, ठीक है, और उससे हम उसको एनालाइज करके देन हम डिटरमाइन करेंगे कि किस तरह का कंज्यूमर की फीलिंग और इमोशन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा रिलैक्स्ड, अगर वेरी पर करता है इसका मतलब कंज्यूमर की फीलिंग्स जो है कंज्यूमर की हमारे ब्रांड के लिए वो पॉजिटिव है, ठीक है, नॉट एट ऑल इसमें नेगेटिव, ठीक है। अट्रैक्टिव लुकिंग, टाइट स्मूथ सपल क्लीन रिफ्रेश यंगर रिवाइव्ड रिन्यूड, ठीक है। सो बेसिकली ये सारी जो फीलिंग्स इमोशन है ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्रोडक्ट के रिजल्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, ठीक है। सो बेसिकली सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में हम यहाँ पर रेट कर रहे हैं कंपेयर टू अदर आफ्टर शेवर्स, ठीक है, जो अदर जो भी हमारे अदर ब्रांड्स है, कॉम्पिटिटिव ब्रांड है, उसके रिगार्डिंग हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उससे कंपेयर करके देन हम बता रहे हैं कि एक्स ब्रांड जो है किस तरह से परफॉर्म करता है, जैसे रिफ्रेशिंग, ठीक है, मैंने एक्स ब्रांड को कंपेयर किया वाई ब्रांड से, ठीक है, मुझे लगा कि जो एक्स ब्रांड है वो ज्यादा रिफ्रेशिंग है, ठीक है, सो मैं 1 रेट कर दूंगी या 2 रेट कर दूंगी, ठीक है। देन फ्रेग्रेंट की बात करूं, अगर मुझे लगता है कि नहीं यार वाई की ज्यादा अच्छी फ्रेग्रेंट है, देन मैं 6 पे कर सकती हूँ या जिस तरह से भी मुझे मेरी फीलिंग्स और इमोशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। देखिए कॉग्निटिव कंपोनेंट रिफ्लेक्ट करता है लाइकलीहुड दैट एन इंडिविजुअल विल अंडरटेक अ स्पेसिफिक एक्शन और बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे विथ रिगार्ड टू द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि मतलब किस तरह कंज्यूमर बिहेव करेगा, ठीक है, क्या स्पेसिफिक एक्शन वो लेगा, ठीक है, वो कॉग्निटिव कंपोनेंट में होता है। अगर हम कंज्यूमर रिसर्च में बात करें ना, तो वहां पर कॉग्निटिव कंपोनेंट को हम ट्रीट करते हैं एज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंज्यूमर इंटेंशन टू बाय, कि कंज्यूमर खरीदेगा नहीं खरीदेगा, किस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर कॉग्निटिव कंपोनेंट के लिए हम यूज करते हैं इंटेंशन टू बाय मेजर, ठीक है, इंटेंशन टू बाय मेजर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह के स्केल हम यूज कर सकते हैं, like which of the following statement best describe the chance that you will buy the X brand next time, कि आप X brand को दोबारा से purchase करोगे, इसकी क्या किस तरह से आप उसे describe करोगे। I definitely will buy it, I probably will buy it, I am uncertain whether I buy it or not, I probably buy it, I definitely will not buy it, ठीक है। सो ये डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर का एक्सपीरियंस कैसा रहा उस ब्रांड के साथ, क्या जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल हुई या नहीं हुई, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर का जो इंटेंशन टू बाय है वो क्या रहेगा, ठीक है। हाउ लाइकली आर यू बाय एक्स ब्रांड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 मंथ्स, कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप उस ब्रांड को किस तरह से बाय करेंगे, वेरी लाइकली, लाइकली, अनसर्टेन, अनलाइकली या वेरी लाइकली, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया वो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी कंपोनेंट मॉडल। सो मल्टी कंपोनेंट मॉडल में पहला हमारा आ जाता है एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। सो जो एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट मॉडल है वो मेंटेन करता है कंज्यूमर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट इज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है, यहाँ पर कंज्यूमर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट को एज अ फंक्शन बताया गया है, किस किस का फंक्शन बताया गया है, द एक्सटेंट टू विच द प्रोडक्ट हैज ईच ऑफ द गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट और द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज एट्रीब्यूट टू द कंज्यूमर, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट है उसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, और वो जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है कंज्यूमर के लिए, ठीक है। देखिए अगर मान लो कि मुझे लगता है कि हाँ ये जो एक्स ब्रांड है ना, इसकी जो परफॉर्मेंस है ऑन एट्रीब्यूट, ठीक है, वो बहुत अच्छी है और ये जो एट्रीब्यूट मैंने लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। सो अगर मुझे ऐसा लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है ऑन द बेसिस ऑफ द एट्रीब्यूट एंड दैट एट्रीब्यूट इज इंपॉर्टेंट, राइट, सो उस बेसिस पे मैं एटीट्यूड फॉर्म होगा मेरा फेवरेबल,
ठीक है. ऑन द अदर हैंड अगर मुझे लगता है कि यार नहीं ये मेरे क्राइटेरिया जो है मेरा सिलेक्शन का उस पे सही नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मेरा अनफेवरेबल एटीट्यूड जो है वो फॉर्म होगा. ठीक है, सो इसी वजह से यहाँ पर नाम दिया गया एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट मॉडल. ठीक है, कि यहाँ पर हम एटीट्यूड देख रहे हैं टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, ठीक है, कि क्या क्या एट्रीब्यूट है और इम्पोर्टेंस क्या है उन एट्रीब्यूट की टू द कंज्यूमर. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर मॉडल. ठीक है, सो द एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर मॉडल कैप्चर्स द इंडिविजुअल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेविंग और एक्टिंग विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट रेदर देन मेरिली द पर्सन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर मॉडल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ही सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंडिविजुअल के एटीट्यूड को देख रहे हैं कि किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, किस तरह से वो एक्ट कर रहा है. ठीक है, टू एन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो यूजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर मॉडल टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर मे सम टाइम बी मोर यूजफुल देन एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट मॉडल. ठीक है, ये मॉडल ज्यादा हेल्पफुल होता है कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करने पे एज कंपेयर टू एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट मॉडल. ठीक है, लाइक कंज्यूमर एटीट्यूड टुवर्ड्स द एक्ट ऑफ शॉपिंग ऑनलाइन एंड रिवील दैट दीज एट्रीब्यूट रिफ्लेक्ट 9 डिजायर्ड बेनिफिट. ठीक है, अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग की बात करूं तो कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जो कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो रिफ्लेक्ट होते हैं एज अ बेनिफिट. ठीक है, जैसे इफेक्टिवनेस एंड मॉडर्न परचेज कन्वीनियंस रहती है ऑनलाइन शॉपिंग में, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा रहती है. ठीक है, एंड सर्विस क्वालिटी अच्छी होती है, डिलीवरी स्पीड अच्छी है. ठीक है, सिलेक्शन फ्रीडम है. सो ये सारी चीजें उसमें रहती हैं. ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर के एटीट्यूड को जज कर रहे हैं उसके बिहेवियर और उसके एक्ट के बेसिस पे. नेक्स्ट हम बात करते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स द एड मॉडल. ठीक है, सो बेसिकली एटीट्यूड टुवर्ड्स द एड मॉडल प्रपोज दैट द फीलिंग्स consumer form when they see and hear ad significantly impact their attitude towards the brand advertised. इसका मतलब कि देखिए कोई भी advertisement हम देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उस time जो हमारा attitude form होता है वो बहुत ज्यादा impact करता है उस brand के लिए हमारा attitude form होने में. ठीक है, लाइक कोई भी अगर हमने एड देखी, ठीक है, वो एड बहुत अच्छी लगी, सो हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म होगा उस ब्रांड के लिए. ठीक है, कि हाँ भाई मुझे परचेज करना चाहिए. ठीक है, एड तो बहुत अच्छी है, इसमें जो एट्रीब्यूट दिखाए हैं अगर वो हैं देन ये तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, सो जो एड है वो भी हमारा एटीट्यूड फॉर्म करने में ब्रांड के रिगार्डिंग हेल्प करती है. ठीक है, So, यहां पर इस मॉडल में यही बताया जाता है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा एटीट्यूड इन टर्म ऑफ इट्स फंक्शन. ठीक है, सो पहले अगर हम बात करें यूटिलिटेरियन फंक्शन, सो यूटिलिटेरियन फंक्शन स्टीम फ्रॉम द बिलीव दैट कंज्यूमर एटीट्यूड रिफ्लेक्ट द यूटिलिटी दैट ब्रांड प्रोवाइड. इसका मतलब देखिए यहां पर हम बात करें यूटिलिटी की, इसका मतलब अगर कोई ऐसा ब्रांड है, ठीक है, जो मुझे लगता है कि हाँ भाई मेरे लिए यूजफुल है, ठीक है, वो जो मैं चाहती हूँ जो टास्क परफॉर्म करना वो परफॉर्म करेगा. ठीक है, सो क्या होगा, उसकी यूटिलिटी जो है, जो मैं चाहती हूँ वो सारी चीजें मुझे मिल रही हैं, तो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म होगा. ठीक है, अगर जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो
वो टास्क वो नहीं कर पा रहा है, देन नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म होगा, ठीक है। सो ये आता है यूटिलिटेरियन फंक्शन, ठीक है, कि ब्रांड जो यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर का एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ईगो डिफेंसिव फंक्शन। सो बेसिकली ईगो डिफेंसिव फंक्शन मेंटेन दैट पीपल फॉर्म एटीट्यूड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम सेंसिंग डाउट एंड टू रिप्लेस अनसर्टेनिटी विद फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल many consumer believe that salad from restaurant or salad bars commonly eaten during lunch are healthy and the healthy choice add that believe that humorously slating that such salad are fattening unlike healthy choice which is positioned and honestly labeled healthy lunch. The reference to honesty implies the other offering or not labeled correctly, right? Next आ जाता हमारा the value expressive function. So value expressive function maintain that attitude reflect consumer belief, value and the marketer can create ad that either support or refute these notions, ठीक है, कि जो एटीट्यूड है बेसिकली वो हमारे कंज्यूमर के बिलीफ और वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें भी जो भी एड्स वगैरह क्रिएट करनी चाहिए वो ऐसे ही क्रिएट करनी चाहिए सो दैट उनकी वैल्यू और बिलीफ हार्म ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉलेज फंक्शन। सो बेसिकली नॉलेज फंक्शन होल्ड्स दैट पीपल फॉर्म एटीट्यूड बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स ऑफ द पीपल event and object they encounter. Therefore, many firms use ad centered upon the consumer's need to know. ठीक है, knowledge function में क्या होता है कि consumer attitude form करते हैं so that किस basis पे, उनकी knowledge के basis पे, ठीक है। So इसी वजह से जो firm है वो कोई भी जो भी firm है जिसका भी product वो advertise कराना चाहती है तो वहाँ पर वो consumer की need to know कि मतलब क्या कंज्यूमर जानना चाहता है उनके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसके उसको देखकर फिर वो एड बनाते हैं, ठीक है। सो ये थे हमारे एटीट्यूड इन टर्म ऑफ इट्स फंक्शन। ओके गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी सेफ, स्टडी एट होम, ठीक है। टिल देन, बाय बाय।